तो चलिए आइए पढ़ते हैं एक और स्ट्रक्चर जिसको हम एक्चुअल में सेल ऑर्गेनेल तो नहीं करेंगे, बट ये एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे, बट अब जो हम पढ़ेंगे वो एक प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ यानी प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें से कुछ एक्सटेंशन निकल के आ गई है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्लैजिला एंड सीलिया, बिल्कुल वही फ्लैजिला और सीलिया जिसके बारे में आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको मैंने उस टाइम एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के बताया था, ये मान लीजिए ये कोई सेल है और इसके बाहर ये लंबा सा निकल गया, ये फ्लैजिला है और ये छोटे छोटे निकले तो ये सीलिया है। इस तरीके का मैं आपको उस टाइम बता चुकी हूँ, बट अब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला और सीलिया एक्चुअल में कैसा है। तो इसका और इसका तो आपको कोई कंपोजिशन दिख नहीं रही होगी, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे छोटे वाले हैं चाहे बड़े वाले, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आसपास के फ्लूइड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, जैसे कोई बोट के लिए करंट एक बनाया जाता है, फ्लो बनाया जाता है, सेम वे सीलिया और फ्लैजिला जो है वो करंट बनाते हैं लिक्विड मीडियम में ताकि चल सके या आसपास के मीडियम से कुछ भी फूड को ऑब्टेन किया जा सकता है। इस तरीके से जैसा कि आपको बताया फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, कितने लॉन्गर, अराउंड 100 टू 200 माइक्रोमीटर, बट इनका नंबर हमेशा कम होता है। सीलिया आपके छोटे होते हैं 5 टू 20 माइक्रोमीटर ओनली, बट इनका नंबर ज्यादा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, किस तरीके से ये बनाया गया है। तो देखिए ये जो है, मान लीजिए ये मार्कर आप समझिए ये फ्लैजिला है, तो हम इसका इस तरीके से नहीं, हम इसका सामने वाला ऐसे सर्कुलर व्यू देख रहे हैं, यानी एक पूरा फ्लैजिला या सीलिया इसी तरीके से लंबा पूरा स्ट्रक्चर होगा। नाउ इट्स क्लियर, अब देखते हैं किस तरीके का आपका इसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले जो इसको सराउंड करके रखी हुई है वो है इसकी फ्लैजिला शीथ। फ्लैजिला को जो सराउंड कर रही है वो है फ्लैजिला शीथ, और फ्लैजिला शीथ के अंदर जितना भी पोर्शन है उसको हम कहते हैं एक्सोनीमी, We call it exonemy, right? अब देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे ये दो हिस्सों में ये बटा हुआ है, एक सेंटर वाला पार्ट और एक साइड वाला। तो साइड वाले पार्ट को हम पेरीफेरी वर्ड यूज करते हैं, तो यहां पर मैं यही कहूंगी। अब पेरीफेरी पे आपको दिख रहा होगा दो हैं ये, एक ऐसे कंप्लीट है और एक इसके ऊपर हाफ है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए और इसको नाम दे रहे हैं बी। ऐसे ही आपके हर जगह है, ये टोटल 9 होते हैं, तो ये दीज आर पेरिफेरल, क्योंकि पेरिफेरी पे है तो पेरिफेरल, डबलेट क्योंकि डबल है, फाइब्रिल्स, ये एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट है इस तरीके से, पेरिफेरल, डबलेट, फाइब्रिल्स। तो 9 ऐसे आपके पेरिफेरी पे हैं, जबकि आप यहां पर सेंटर में देखिए सेंटर में 2 हैं और दोनों के दोनों सिंगल हैं, तो ये हुए सेंट्रल सिंगलेट, क्योंकि अकेला है वो सिंगलेट फाइब्रिल। अब यहां देखिए ये जो इसको सराउंड किए हुए, जैसे पूरे को सराउंड कर रखा था उसको फ्लैजिला शीथ नाम दिया, जो सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल के अराउंड है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल शीथ, दिस इज सेंट्रल शीथ। अब आप यहां पर देखिए 9 साइड में है, 2 बीच में है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है 9+2 अरेंजमेंट। अब यहां देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो ए वाला है वो अगले फाइब्रिल के बी से कनेक्ट होता है, फिर ए वाला अगले के बी से कनेक्ट होता है, तो ये जो कनेक्शन है इनको बोलते हैं हम लिंकर्स, दीज आर लिंकर्स, राइट और ये आपका ये भी लिंकर है जो सेंटर में कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल दोनों को, वो भी आपका लिंकर है, डबल लिंकर है ये। और जो भी पेरिफेरी पे है इनमें से एक और एरो सेंटर की तरफ जा रही है जिसको कहते हैं रेडियल स्पोक, यूज द वर्ड रेडियल स्पोक। तो ये आपने पढ़ा सीलिया या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, मैंने इसमें क्या बताया, मैंने कहा इस पूरे के अराउंड है फ्लैजिला शीथ, अंदर का पूरा पार्ट कहलाता है एक्सोनीमी, जहां पर 9 पेरिफेरी पे डबलेट फाइब्रिल्स हैं जो आपस में कनेक्ट है बाय द हेल्प ऑफ अ लिंकर, ये सब सेंटर की तरफ अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ रेडियल स्पोक,
सेंटर में एक सेंट्रल शीथ है जिसके अंदर दो सिंगलेट फाइब्रल्स हैं जो आपस में एक डबल लिंकर से जुड़े हुए हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है 9+2 अरेंजमेंट. अब सीलिया या फ्लैजेला किस काम आते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन तो इनका वही हो गया, लोकोमोशन में हेल्प करनी. दूसरा फंक्शन है इसका कि आसपास के जो भी फ्लूइड मीडियम है उसमें अगर कोई फूड अवेलेबल है या कोई और सब्सटेंस अवेलेबल है तो उसमें इस तरीके का फ्लो बनाता है कि वो मटेरियल फ्लो करता हुआ और उसकी तक पहुंच जाए, उसके माउथ तक पहुंच जाए. तीसरा, हम अपने अंदर बात करें तो आपने टिश्यूज पढ़े होंगे, तो टिश्यूज के अंदर जैसे हमारी जो ट्रेकिया है तो ट्रेकिया के अंदर आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है और वो सीलिएटेड एपिथेलियल है, यानी पूरे यहाँ पर जो एपिथेलियल है उस पर सीलिया है. तो जब आप इनहेल करते हैं तो जो एयर जाती है उसमें से जितना भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो इन सीलिया में ट्रैप हो जाते हैं और फिर आपके माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं. सेम वे इसी टाइप के सीलिएटेड एपिथेलियम फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं जहां ओवम को मूवमेंट देते हैं. तो इस तरीके के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं आपके सीलिया फ्लैजेला. अगर 10th के एनटीएससी लेवल पे बात करें तो 10th के एनटीएससी लेवल पे सीलिया और फ्लैजेला से एक यही क्वेश्चन बनता है, 9+2 अरेंजमेंट किस में पाया जाता है. इट इज फाउंड आइदर इन फ्लैजेला और इन सीलिया. दैट इज ऑल अबाउट दिस. थैंक यू.